बूंदी जिले के केशवरायपाटन कस्बे में मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के चीफ इंजीनियर महेंद्र कुमार बैरवा ने कस्बे के नगरपालिका द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान अंबेडकर भवन वाल्मीकि बस्ती में आयोजित शिविर में चीफ इंजीनियर ने विभिन्न विभागों के कार्य शैली तथा अब तक प्रशासन शहरों के संग मिली फीडबैक की समीक्षा की। वहीं इस अवसर पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा पट्टों के अभियान को लेकर विस्तृत रिपोर्ट चेक किया तथा अब तक हुई प्रगति के बारे में पट्टा अभियान से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जवाब तलब किए। इस अवसर पर नगरपालिका ईओ सुरेश कुमार रेगर, नगरपालिका चेयरमैन कन्हैया कराड़, वाइस चेयरमैन राजविंता गोचर एवं नेता प्रतिपक्ष मदन पचेरवाल मौजूद रहे। शिविर के अंतर्गत पूर्व पार्षद राकेश नामा ने नगरपालिका से राशि से अधिक राशि लेने और मनमानी करने का आरोप लगाते हुए इंजीनियर से शिकायत की। वहीं मनोनीत पार्षद जफर शरीफ सहित कांग्रेस के दर्जन भर नेताओं ने नगरपालिका प्रशासन की कार्यशैली तथा पट्टा निर्माण को लेकर आम जनता को हो रही परेशानियों को लेकर शिकायत की तथा नगरपालिका के कई कर्मचारियों के व्यवहार पर भी शिकायत की। वहीं इस अवसर पर चीफ इंजीनियर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार नगरपालिका प्रशासन को नियमानुसार पट्टे बनाने के निर्देश दिए हैं। शिविर में वरिष्ठ पार्षद बद्रीलाल, जाकिर हुसैन, राम सिंह, राजेश, तुषार शर्मा सहित सभी पार्षदगण मौजूद रहे। चीफ इंजीनियर ने सभी विभागों के शिविर में उपस्थित रहने के साथ साथ पूरे समय शिविर में बैठने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कस्बे के कई पार्षदों ने शिकायत की थी कि शिविर जल्दी समाप्त हो जाता है तथा जिम्मेदार अधिकारी शिविर में मौजूद नहीं रहते। इस मामले को लेकर भी उपखंड अधिकारी से शिविर में पटवारी सहित अन्य आला अधिकारियों की मौजूदगी के लिए वार्तालाप भी किया। आरोप प्रत्यारोप पर किया गया, इसमें आप क्या कहना चाहते हो? भाई देखो, जो आरोप और प्रत्यारोप की बात है ना, आज हमने यहाँ के जो अध्यक्ष हैं सभापति जी और सभी जो पार्षदगण है, पार्षदगण और जो भी जनप्रतिनिधि और जो आम जो पब्लिक है, इनके सबके समस्याएं सुनी है। हमने सबको ये कहा कि एक तो वार्ड वाइज कैंप लगाएंगे, यदि वार्ड वाइज पॉसिबल नहीं हुआ तो दो दो वार्डों में एक कैंप लगेंगे, कैंप के अंदर पूरा स्टाफ पूरे टाइम पर रहेगा। दूसरी चीज, अनावश्यक किसी की कोई भी फाइल को रिजेक्ट नहीं होने देंगे, किसी भी फाइल को रिजेक्ट नहीं होने देंगे और किसी को फाइल के लिए मना नहीं करेंगे। यदि किसी की फाइल में कोई छोटी मोटी कमी है तो कमी के लिए उसको बाकायदा सूचित करेंगे, लेटर देंगे और नियमानुसार पट्टे दिए जाएंगे। जो पट्टे दिए जाने लायक नहीं है, जिस प्लॉट का पट्टा नहीं दे सकते उसको बाकायदा लिख करके देंगे और ये कोई कानून का प्रावधान वो नहीं है, ये उसको अंकित करेंगे ताकि उसको ऐसा लगे कि कोई उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। ये जो केशवराई पाटन में जो आज जो कैंप आयोजित किया गया, इसमें अभी तक 615 एप्लीकेशन आई है, 615 में से 252 पट्टे जारी कर चुके, 30 पट्टे आज जारी किए और जो 262 पट्टे हैं ना वो प्रक्रिया के लिए हमने संबंधित बाबू को निर्देश दे दिया, AN को निर्देश दे दिए, JN को दे दिए और लिपिक को दे दिए। ये लोग तुरंत निपटारा करेंगे, इनके समस्या है पटवारी नहीं आता तो उसके लिए आके SDM साहब से मैंने बात कर ली, SDM साहब कल पटवारी की व्यवस्था कर देंगे ताकि जो पटवारी के कारण जो फाइलें पेंडिंग है वो भी निपटारा किया जाएगा।